पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। हम लोग किसी भी हाल में आने वाला इतिहास को गंदा नहीं करेंगे, अधूरा लड़ाई हम लोग नहीं छोड़ेंगे। अभी पद यात्रा करेंगे, पद यात्रा के शरीर जमीन पर उतर कर जो जिसका अस्थाई लोगों के द्वारा उसका पुष्टिकरण हो, पुलिस रिपोर्ट के माध्यम से या प्रेस मीडिया के माध्यम से जो जिनका पुष्टि होगा वो आंदोलनकारी चिन्हित कमेटी का गठन करके उसको चिन्हित किया जाएगा और वैसे लोगों को विधानसभा के चुनाव में 50% जो क्रांतिकारी लेखनी जिसका चलता है वो लोग उपस्थित हुए, यहाँ डॉक्टर उपस्थित हुए, यहाँ कानूनविद एडवोकेट महोदय लोग उपस्थित हुए और हम लोग ने सबको ने एक सर्वसहमति से निर्णय लिया कि यह हमें भूलना नहीं चाहिए कि यह धरती बिरसा मुंडा का धरती है, यह धरती नीलांबर पीतांबर फूलो झानो सिद्धू कानू का धरती है, यह धरती शेख भिखारी सुनील निर्मल विनोद बाबू का धरती है, यह धरती वीर बुध भगत का धरती है। ये न भूलते हुए अब हम लोग जो यहाँ के महापुरुषों के राह पर जो चल रहे थे लेकिन वर्तमान सत्ता में बैठने वाले इस 24 साल के दौरान में सभी पार्टियों को मौका मिला, यहाँ के जनता जो 5 बार विधानसभा चुनाव में 5 बार वोट दिए लेकिन यहाँ पर जो है कि 12 मुख्यमंत्री बन गए, 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, जब जब चुनाव आता है तब तब जो है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो है कि बिकाऊ और भ्रष्ट नेता मंत्री लोग का अड्डा बन गया है यहाँ। इसीलिए हम लोग को आज झारखंड यह पुकार रहा है, झारखंड को झारखंड कहने में शर्मिंदा महसूस हो रहा है, वो खुद को असमंज स्थिति में है कि यह झारखंड है कि लूटखंड है। यहाँ अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, नेता मंत्री हो, सब जिसको मौका मिलता है वही लूट रहे हैं। आज देखिए कई ऐसे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आ रहे हैं, कुछ दिनों के लिए जो यहाँ मुख्यमंत्री महोदय चंपोई सोरेन जी थे उन्होंने कितना विधायकों को लेकर के दिल्ली रवाना हो रहे हैं, तो किसका कौन कहाँ कहाँ जा रहे हैं, इस स्थिति परिस्थिति में हमारा राज्य कहाँ जाएगा। इसीलिए इतना दिन तक हम लोग निडरता से अपना बदन पर लाठी खाते हुए हटवार जेल तक का सफर करते हुए कई बार पुलिसिया लाठी खा करके हॉस्पिटलाइज होते हुए FIR से न डरते हुए हम लोग बिरसा मुंडा सिद्धू कानू नीलांबर पीतांबर फूलो झानो की विचारों को लेकर के चले थे लेकिन आज हम लोग सर्वसहमति से निर्णय लिए कि हम लोग अब बिरसा का रूप धारण करना होगा और उसका रूप धारण करके उसके जैसा उलगुलान करना होगा। इसलिए एक सप्ताह बाद यानी आगामी 25 सितंबर से खुद को हम लोग एक बिरसा का रूप धारण करेंगे, हम लोग बिरसा मुंडा का जन्म स्थल उलिहातू से बिरसा का रूप धारण करते हुए हम लोग निकलेंगे और निकल करके कहाँ कहाँ जाएंगे, कहाँ कहाँ क्या क्या करेंगे, पदयात्रा करेंगे और हम लोग पूरे राज्य को जब तक जिस उद्देश्य से इस राज्य का गठन हुआ था, जो शहीदों का सपना था, जो आंदोलनकारियों का अरमान था, वो जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। हम लोग किसी भी हाल में आने वाला इतिहास को गंदा नहीं करेंगे, अधूरा लड़ाई हम लोग नहीं छोड़ेंगे। अभी पद यात्रा करेंगे, पद यात्रा के दौरान जो है कि गांव-गांव जाकर के जगाने का काम करेंगे, उसके बाद हम लोग का लड़ाई कोई ये 2-3 महीना का कोई बाकी नेता जैसा मेढक की तरह आए राजनीतिक महत्वाकांक्षा लेकर के नहीं, हम लोग जो इलेक्शन मोड में जो नेता बात कर रहे हैं हम लोग जो है कि पिछले 7-8 सालों से कई सरकार बदला फिर भी हम लोग करते आ रहे हैं और फिर भी करते रहेंगे। इसलिए आगे सरकार बदले, नेता मंत्री जिसको बनना है बने, उसके आगे भी हमारा आंदोलन जारी रहेगा और पूरा ग्राम सभा स्तर में हम लोग ग्राम सभा से पारित कराएंगे और राष्ट्रपति महोदय तक हो, प्रधानमंत्री महोदय तक हो या माननीय हाईकोर्ट जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, हर जगह अपना दस्तावेज को लेके जाएंगे लेकिन आने वाले इतिहास के पन्नों में हम लोग दर्ज कराएंगे जिस प्रकार यहाँ आंदोलन से हम लोग का पूर्वजों का आंदोलन सफल हुआ है उसी प्रकार हमारा यह आंदोलन को भी सफल करके ही हम लोग छोड़ेंगे। ये राज्य स्तरीय संगोष्ठी जो कर रहे हैं आप लोग, जेबीकेएसएस के जो अध्यक्ष है जयराम महतो हैं उपस्थित हैं, क्या कह रहे हैं? देखिए उनका, आप लोग सभी मीडिया बंधु जानते हैं कि उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है और ऐसा भी आज एक मीटिंग था और आज मीटिंग था, बैठक था और बैठक में आज सभी कोई आए हुए थे और यहाँ से हम लोग आज निर्णय लेकर के बड़ा आंदोलन जब होगा वहाँ पे दिखेंगे, अभी तो आज तो बैठक था और ऐसा भी राज्य का अब
पिछले का इतिहास देख लीजिए, जो भी आंदोलन हुआ है, चाहे आप लोग कैमरा में उसको बढ़िया से, आप लोग का सोशल मीडिया में, आप लोग का न्यूज चैनल में अभी भी मौजूद होगा, चाहे हम पिछला इतिहास, चाहे विधानसभा का घेराव देख लीजिए, मुख्यमंत्री आवास घेराव देख लीजिए, चाहे झारखंड बंदी देख लीजिए, ट्विटर कैंपेन देख लीजिए, जितने चाहे जेपीएससी, जेएसएससी, जेपीसी महाघेराव देख लीजिए, सारे आंदोलन का जो है कि आंदोलन का हिस्सा हम ही देखते हैं। इसीलिए जब आंदोलन का घोषणा होगा, बड़ा कार्यक्रम होगा, सभी कोई दिखेंगे, निश्चित दिखेंगे। अरे पूरे सबको, अरे आंदोलन सबका यहाँ आमंत्रण है। आज का कार्यक्रम में आप लोग बुलाए उनको या नहीं बुलाए? अरे उन्हीं के टीम का बढ़िया उपाध्यक्ष महोदय कार्यक्रम रखे हैं, इसीलिए बुलाए और नहीं बुलाए, हम लोग ये राज्य का हम लोग का उसका हिस्सा है, हम लोग बैठक था, अब बड़ा कार्यक्रम होगा, वो सब दिखेंगे। अरे बैठक था, आगे आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, सब जगह आएंगे। ये बताइए कि आप जो आज संगोष्ठी का प्रोग्राम रखे हैं, झारखंडी भाषा कल्याण संघर्ष समिति, जब भी पहला प्रोग्राम रखते थे सिर्फ झारखंडी भाषा कल्याण संघर्ष समिति का बैनर होता था, लेकिन आज बहुत दिनों बाद, सालों बाद झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन का बैनर भी लग गया। इसका मतलब ये दर्शाता है कि आपके और जयराम महतो के बीच में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, अंतर्कलह की स्थिति बनी नहीं, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा आप पिछला आप नगर पालिका में परीक्षा रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर के आप चाहे देखे होंगे, चाहे अभी सीजीएल का पेपर लीक का आंदोलन हुआ या जितने भी आंदोलन हुआ, सारे आंदोलन जो होता है, जैसे कि देखिए एक चीज़ आप लोग को समझना पड़ेगा कि समस्या जो है, चाहे वो जेपीएससी में गड़बड़ी हो रहा है तो जेपीएससी का दरवाजा का या उसके कार्यालय जाने की बात हो, या जेएसएससी में गड़बड़ी हो रहा है तो जेएसएससी कार्यालय जाने की बात हो, या विधानसभा में नियम कानून नहीं बन रहा है तो विधानसभा जाने की बात हो, या मुख्यमंत्री महोदय हमारी बातों को नहीं सुन रहे तो मुख्यमंत्री आवास जाने की बात हो, हर एक जगह तो जेएसएससी आगे आकर के नेतृत्व करके जो है कि हम लोग इसी तर्क पे लाए हैं कि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के छात्र विंग जेएसएससीयू के नेतृत्व पे जो है कि युवा और छात्र का लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं, उसी तर्क पे हम लोग हर आंदोलन को किए हैं। आपके पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष संजय मेहता के द्वारा जो है कुछ सुझाव दिया गया था, 3 पेज में जो है 17 पॉइंट आउट करके, वो वायरल हो चुका है, जिसमें आप ही के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो पर कई सवाल खड़े किए गए, जिसमें जो है 5100 रुपया लेकर जो है विधायक बनाने वाला जो ये स्कीम निकाला है आप लोग, उस पर सवाल उठाया गया, जिस क्षेत्र में जयराम महतो जाते हैं उस क्षेत्र के कार्यकर्ता को नहीं बताते हैं, उस क्षेत्र के नेता को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, मारकाट अपनी हर भाषण में मारकाट वाला शब्दों का प्रयोग करते हैं, इस प्रकार की तमाम चीज़ों को जो है वो पॉइंट आउट किया है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए जहाँ तय हुआ था 5100 रुपया वाला बात, जैसे कि हमको मीडिया से भी जानकारी आ रहा है कि वो एक हम लोग का पार्टी प्रोटोकॉल के तहत जो लिया जा रहा है, उस बैठक में हम मौजूद नहीं थे। तो ये जो उपाध्यक्ष महोदय संजय मेहता जी का जो सवाल है, उनका सवाल का जवाब जो है कि जो हमारे कोर कमेटी जो अभी नया बना है, वो कमेटी ही इनका बेहतर जवाब दे पाएंगे। संजय मेहता का जो सवाल है, जो सुझाव दिया, वो जायज़ है कि नहीं? आपका क्या है, लेना सही है या नहीं सही है? देखिए इसको हम बेहतर आकलन करने के बाद हम इसका जवाब आप लोग को देंगे। आप तक अभी तक आपने आपके केंद्रीय उपाध्यक्ष आप हैं, आप टिकट लिए कि नहीं लिए? आप लिए हैं कि नहीं? 5100 रुपये देखिए जे हमारा क्षेत्र के जो हमारा समर्थक है वो जा करके हमारा नाम से भर दिए हैं, हमसे हस्ताक्षर करा करके। अच्छा, आपसे जबरदस्ती करवाया गया क्या? नहीं नहीं, चाहते थे कि नहीं कि आपको विधानसभा क्षेत्र से टिकट मिलना चाहिए? आप अपनी उम्मीदवारी को लेकर के आश्वस्त थे कि नहीं, पहले ये बताइए। देखिए हम थोड़ा सा कार्य पे व्यस्त थे, तो जो हमारा सिल्ली क्षेत्र का जो समर्थक हैं, जो शुरू से अपने ऊपर साथ साथ में पुलिस का लाठी खा रहे हैं, साथ साथ में फर्जी FIR ले रहे हैं, साथ साथ में खुले आसमान में कई जगह बिता रहे हैं, साथ साथ में हर यातना झेल रहे हैं, उन लोग कहे कि दादा आप व्यस्त हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग जा करके फॉर्म खरीद लेते हैं, आप हस्ताक्षर कर दीजिएगा, हम लोग जमा कर देंगे। फोटो लगाया है, बहुत ही काफ़ी सुंदर फोटो है, आपका फोटो बड़ा है और केंद्रीय अध्यक्ष का फोटो छोटा है। अरे आप लोग सवाल सिर्फ JBKSS से ही करते हैं, सुनिए सवाल होगा, सुन लीजिए। और देवेंद्रनाथ महतो छात्र आंदोलनकारी, नो डाउट आपने झारखंड के लिए बहुत लड़ाई लड़ी है, लगातार छात्रों के लड़ रहे हैं, लेकिन आज जो केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष होता है वो नहीं कहीं लिखा हुआ है? कैसे नहीं है? नीचे लिखा हुआ? अरे वो नीचे है, वो अच्छा नीचे पोस्टर नीचे चला गया है, पोस्टर का साइज बड़ा हो गया है, देखिए ना हर पोस्टर में लिखा हुआ है वो केंद्रीय वरीय। देखिए
आप लोग बहुत अच्छा है। जेवीकेसेस का ही एक खासियत है कि जितना मन उतना, देखे ना एगो हम लोग का ही मंच में, हम लोग का ही स्टेज में आकर के हम लोग को ही गरिया के चल गया। तो अच्छा, तो कहने का मतलब हम लोग ही एक ऐसा है इस झारखंड प्रदेश में कि जिसको जितना सवाल है, जिसको जो इच्छा है हम लोग को पूछ सकता है, कर सकता है। अब बाकी पार्टी में देखिए, अब यहाँ बीजेपी, कांग्रेस, राष्ट्रीय पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी, आज से जेएमएम, उन लोग का एक एक पोस्टर निकाल के देखिए, जो ऊपर में होता है मोदी जी का, जो अमित शाह जी का, उन लोग का फोटो का साइज छोटा रहता है और जो आयोजक रहता है उसका बड़ा साइज में रहता है। ये तो नॉर्मल हर जगह होता है, लेकिन सवाल सिर्फ हम लोग पर होता है। सबसे सवाल नॉर्मल नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि छोटा साइज बड़ा साइज होता है। नहीं नहीं एक साइज, आप देखिए पोस्टर जा करके, जो भारतीय जनता पार्टी का या कांग्रेस पार्टी का कोई भी जा करके पोस्टर देख लीजिए, ऊपर में जो केंद्रीय नेताओं लोग का जो भी फोटो होता है ऊपर में रहता है छोटा छोटा, जो क्षेत्र के जो आयोजक होते हैं, जो निवेदक होते हैं, उसका फोटो नीचे बड़ा होता है। आप लोग तो देखते हैं। ये बताने का कोशिश करेंगे आपकी जो इस संगोष्ठी का मूल मकसद था वो अभी तक सामने नहीं आ पाया, क्या यहाँ पर भाषणबाजी के अलावा? नहीं नहीं, मूल मकसद तो हम बताए, आज का जो हम लोग का एक मकसद जो है भी हम बताना भूल गए कि एक तो हम लोग का जो पिछले आंदोलन किए हैं और उस आंदोलन से हम लोग का कोई आउटपुट रिजल्ट नहीं आया, तो हम लोग को आगे आंदोलन का रूपरेखा क्या करना चाहिए? पहला किस तरह से बन जाएंगे? नहीं, अरे उस जैसे लड़ते थे निकल के, जहां मन वहां तीर धनुष निकालते थे, जहां मन वहां जाके मीटिंग बैठक करते थे, जहां मन वहां जाकर के जो है कि अपना कार्यक्रम निर्धारित करते थे, उसी टाइप से हम लोग एकदम उसको ऐसा महसूस करेंगे कि उसका रूप हम लोग ले लिए हैं और उस रूप को महा जैसे महसूस करेंगे कि हम धारण कर लिए हैं, और धारण करते हुए जो है कि अब हम लोग अपना यात्रा का शुरुआत करेंगे, क्योंकि न्याय अधिकार यात्रा का, झारखंड नवनिर्माण यात्रा का शुरुआत करेंगे। और साथ ही साथ जो आज एक बात छान के आया सबके बीचों में, जो मुख्य बात है विधानसभा चुनाव को लेकर के जो परिचर्चा था, चूँकि झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन और जेवीकेसेस के आंदोलन से हम लोग का जो पॉलिटिकल पार्टी निर्वाचन आयोग से जो जेएलकेएम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा बना, जिसमें हम लोग अभी विधानसभा में हम लोग भागीदारी लेंगे, क्योंकि हम लोग सभी कोई जानते हैं, सभी कोई मानते हैं और जनता इस बात पर स्वीकार किया है कि यह आंदोलन का पार्टी है, इसलिए हमारा बहुत प्रकार का कमेटी बन गया। तो आज हम लोग का पारित हुआ है कि एक और कमेटी बने, आंदोलनकारी चिन्हित कमेटी, कि भाई एक कमेटी बने जो राज्य में वर्तमान बदलाव को लेकर के जो आंदोलन कर रहे हैं उसको चिन्हित करेंगे, और जो पॉइंट हम लोग जारी किए हैं कि किस पॉइंट पे कितना कितना दिया जाएगा, उसमें से आंदोलनकारियों का पॉइंट 50% दिया जाए। जो भी आंदोलन किए हैं शरीर जमीन पर उतर कर, जो जिसका अस्थाई लोगों के द्वारा उसका पुष्टिकरण हो, पुलिस रिपोर्ट के माध्यम से या प्रेस मीडिया के माध्यम से जो जिनका पुष्टि होगा, वो आंदोलनकारी चिन्हित कमेटी का गठन करके उसको चिन्हित किया जाएगा, और वैसे लोगों को विधानसभा के चुनाव में 50% जो है कि उसको हम लोग पॉइंट देने का आज के इस संगोष्ठी में, इस राज्य स्तरीय मीटिंग में हम लोग का विधानसभा चुनाव को लेकर के ये पारित हुआ है। क्या आपको पार्टी टिकट देगी? ये सवाल ऐसा बोल दिया, प्रेशर आप जो है यहाँ बैठकर प्रेशर बनाते रहते हैं, अध्यक्ष भी आप। अच्छा सुनिए ना, एक मिनट हमको बताइए, यहाँ कौन ऐसा बात लगा जो ये टिकट का प्रेशर का प्रेस कॉन्फ्रेंस है? हमको यही समझ नहीं नहीं नहीं, ये सर्वसहमति से जो बात आया, हम ये बात आप लोग को बता रहे हैं कि हम लोग ने आज के इस राज्य स्तरीय संगोष्ठी से एक सर्वसहमति से पारित हुआ है कि बहुत सारे कमेटी बना है, उसमें से एक आंदोलनकारी चिन्हित कमेटी बनाया जाए, जिसमें आंदोलनकारी को 50% पॉइंट दिया जाए। और ये आज ही नहीं, हम इनका जो है कि पिछले 7 सितंबर को बुंडू में जो कार्यक्रम था, यहाँ बहुत सारे मीडियागण बंधु थे, हम माननीय अध्यक्ष महोदय को हम एक लिखित आवेदन भी दे चुके हैं। ये ऐसा नहीं कि हम आज पहली बार इस बात को बोल रहे हैं। सवाल था मेरा अभी कि आपने आवेदन दिया था, लेकिन उस पे तो आपके अध्यक्ष महोदय ने कोई काम किया नहीं। हाँ, तो अभी आज फिर से इसको हम लोग पारित करके फिर केंद्रीय कमेटी को बैठेंगे। ये आवेदन है चूंकि टिकट के लिए कई सारे फॉर्म्स बंटवारे हो गए और उस सब जो निर्धारित तारीख दिया गया था उसमें जमा भी हो गया, उसके बावजूद आप पॉइंट आउट निकाल रहे हैं कि जो आंदोलनकारी है उसको चिन्हित करके अलग से पॉइंट दिया जाए। देखिए तो वो तो फिर से नहीं बात समझिए, जैसे कि अभी हम लोग का फॉर्म बहुत कोई ले लिया, इसमें बहुत कोई ओपन था, तो बहुत तरह के लोग जो माफिया
के माफियागिरी का सोच रखते हैं, जो अवसरवादी का सोच रखते हैं, जो चाहते हैं कि इन लोग आंदोलन करके माहौल तैयार कर दिया है तो वहाँ जा कर के खड़ा होकर के हम टिकट लेकर के जीत जाए ऐसे सोच रखते हैं, तो ऐसे लोगों का इस प्रस्ताव से कटनी छटनी होगा। देवेंद्र भाई, मेरा एक सवाल सवाल ये है कि ये जो आपकी गोष्ठी थी ये क्या जेबी केसेस की थी, या छात्र यूनियन की थी, या जेल कैंप की थी? और आपने जो निर्णय लिया, जो यात्रा करने की बात बताई बिरसा को आइडियल बनाकर, तो क्या उसमें ये निर्णय जो है सामूहिक जेल कैंप का निर्णय है या यूनियन का निर्णय है? देखिए, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का ही छात्र विंग झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन है, और ये दोनों आंदोलन का संगठन है, और ये दोनों आंदोलन के संगठन से राजनीतिक संगठन जेल कैंप बना है। तो हम लोग का जो आंदोलन का जो संगठन है, आंदोलन का जो नेतृत्व करते थे 2400 जिलों से, वे आंदोलन का नेतृत्व करने वाले आज हम लोग का इस बैठक में शामिल हुए, और आंदोलन का नेतृत्व करने वाले लोगों से ये निर्णय लिया गया, सामूहिक निर्णय लिया गया, सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया। अध्यक्ष की सहमति है? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? आज तक हर आंदोलन में, हर आंदोलन में सहमति दिए है बढ़ चढ़ करके। अरे देखिए, ये सर्वविदित है, पत्र का ये कितना आंदोलन हो गया, साथ साथ में आह्वान हो गया है, आंदोलन हो गया, लेकिन जेबी केसेस का ये स्टूडेंट विंग है, इसका पुष्टि कैसे हो? देखिए, ये मेरा बयान है आधिकारिक, ये माननीय केंद्रीय अध्यक्ष श्री टाइगर जयराम महतो जी का अधिकृत बयान है, ये पूरे राज्य के इस बयान से जो है कि हम लोग का बड़े बड़े ऐतिहासिक आंदोलन कर चुके हैं, तो इसकी और क्या आप लोग को चाहिए। चलिए देवेंद्र जी, चलिए बहुत हो गया। जेबी केसेस एक सवाल पूछ रहे हैं कि राज्य में जो भी स्थिति बनी हुई है, सूत्रों के माध्यम से लगातार खबरें चल रही है कि चंपई सोरेन भाजपा में शामिल हो सकते हैं कुछ विधायकों के साथ, तो ऐसी स्थिति में अगर शामिल होंगे तो राष्ट्रपति शासन लगने वाली परिस्थिति बन जाएगी, तो आप लगातार झारखंड के छात्रों के लिए आवाज़ उठाते हैं तो सारी नियुक्तियाँ रुक जाएगी, तो उसके लिए क्या कीजिएगा अगर ऐसी स्थिति बनती है, परिस्थिति बनती है? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि राज्य में शासन सत्ता जिसका भी हो, चाहे राष्ट्रपति महामहिम जी का हो, चाहे जिस दर दल में गए उधर दल का सत्ता हो। ऐसी चर्चा हो रही है? नहीं नहीं, वो तो 5-6 को विधायक को लेके उड़ भी गए हैं। अच्छा, उड़ गए, ऐसा हमको भी खबर मिला है मीडिया के माध्यम से ही। ये राज्य में होते रहता है, और यही सब तो इसीलिए झारखंड आज चीख चीख के चिल्ला रहा है। मेरा सपना आ गया था, हमको बता दे रहे हैं झारखंड हमको बोल रहा है कि झारखंड हम झारखंड है कि हम लुटखंड है। हमको शर्मिंदा लग रहा है बोलने में कि हम क्या हैं, क्योंकि यहाँ जिसको मौका मिल रहा है वही लूट रहा है, चाहे वो अधिक भ्रष्ट नेता की बात करें या भ्रष्ट अधिकारी की बात करें। इस राज्य का गंदा इतिहास है कि इस राज्य का 2-2 CM जेल गए, इस राज्य का गंदा इतिहास है कि यहाँ यश पूजा सिंघल जैसे, यहाँ छवि रंजन जैसे, यहाँ मतलब मंत्री का PA का नौकर का घर में यहाँ करोड़ों करोड़ रुपया निकल रहा है। तो ये जो झारखंड बनाम भ्रष्टाचार जो चल रहा है, यहाँ जो तानाशाही चल रहा है, तो हम लोग इस राज्य को संभालने के लिए तो हम लोग इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं। खुद ने संभले हुए हैं, किसे राज्य को संभाले? कोई दिक्कत नहीं, हम लोग टाइट हैं, संभले हुए हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है, एकदम बिल्कुल चिंता मत करिए। पार्टी के अंदर जो आप लोग चल रहा है चर्चाएं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, पूरा मजबूत है, पूरा एकदम होल्डिंग किया हुआ है। सवाल है कि आपके जो केंद्रीय अध्यक्ष है, क्या चापलूस चाटुकार टाइप का लोगों से घिर गए हैं क्या, जो संजय मेहता की चिट्ठी से ऐसा लग रहा है, आप उससे सहमत हैं जिस तरह के लोग उनके आसपास हैं? देखिए, अब कौन कौन लोग को देख करके ऐसा बोले हैं इसका हम जांच कराएंगे, अगर ऐसा घिरे हुए तो उन लोग को हम लोग निकालने का काम करेंगे। CBI जांच करवाएगा? अरे हम लोग अपने से कमेटी आंदोलनकारी, आज हम लोग एक आंदोलनकारी चिन्हित कमेटी बनेगा ना। लेकिन केंद्रीय उपाध्यक्ष रहते हो भी, आपको विशेष तौर से पता नहीं चलता कि उनका हो रहा है, अध्यक्ष क्या कर रहे हैं, बताइए ना कौन सा सवाल, हमको सब पता है, बताइए।